मैं सत्य हूं। मनुष्य में तीन शक्तियां होती हैं, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। किंतु प्राप्त करने की शक्ति मनुष्य में नहीं होती। प्राप्ति की शक्ति परमात्मा की होती है और ये शक्ति आप मुझ सत्य से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं सत्य परमात्मा का ही रूप हूं। मैं सत्य हूं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। बोलो पुत्र, क्या बात है? पिताश्री, आपको तो स्मरण होगा ही कि मैं स्वयं गणेश ही आपके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। पिताश्री, अब समय आ गया है कि मैं अपनी लीलाओं को इस आश्रम की सीमा से बाहर विस्तार दूं। अर्थात? पिताश्री, आपके पास काशी नरेश आएंगे, मुझे उनके साथ भेजने की कृपा करें। अब मैं काशी में रहकर ही दुष्टों का विनाश और सज्जनों के उद्धार का अपना उद्देश्य पूर्ण करूंगा। वत्स, अभी तो तुम बालक ही हो, राक्षसों के उत्पात से कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। मुझे तो सदैव तुम्हारी चिंता सताती रहती है। पिताश्री, आप चिंता ना करें। प्रभु मोहतकट, आपके मूल स्वरूप को शत शत प्रणाम। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। आज वो अवसर आ ही गया जब भगवान मोहतकट विनायक कश्यप आश्रम छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। उन्हें साथ ले जाने के लिए काशी नरेश स्वयं महर्षि कश्यप के आश्रम में उपस्थित हो रहे हैं। प्रणाम महर्षि। कल्याणमस्त, स्वागत है।
महर्षि, आपने तो हमें कभी सूचना ही नहीं दी। हमारे ये छोटे पुरोहित तो साक्षात देवी के अवतार लगते हैं। राजन, अदिति ने भगवान महागणेश की घोर तपस्या आराधना की, तभी उनके प्रसाद के रूप में हमें ये पुत्र प्राप्त हुआ है। तब तो इन छोटे पुरोहित जी के चरण छूकर इनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। राजन, आप हमारे अतिथि ही नहीं, हमारे प्रजाप्रिय शासक भी हैं। अतः आप तो हमारे लिए पूजनीय हैं। राजन, आप लंबी यात्रा से आ रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। जो आ गया। आइए राजन, पधारे। राजन, आपके परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना? आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं से सब मंगल ही मंगल है। दुष्ट नरांतक ने तो पाताल और पृथ्वीलोक में त्राही त्राही मचा रखी है, उससे आपका राज सुरक्षित तो है ना? हे ऋषि, जब समय प्रतिकूल हो तो साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, जनगण की रक्षा का कार्य राजा का होता है। मैंने उस दुष्ट को बहुत सा धन देकर उससे संधि कर ली है, फिर भी कभी कभी वे अपने राक्षसों को भेजकर राज्य में उपद्रव पैदा करता है। राजन, आज आप इस आश्रम में बहुत दिनों बाद किस हेतु पधारे? हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरे सुपुत्र का विवाह होना निश्चित हुआ है। आप काशी पधार कर उसके विवाह का कार्य संस्कार संपन्न कराए, यही कामना लेकर मैं आपके पास आया हूं। हे राजन, देवांतक के भेजे हुए राक्षसों ने पिछले दिनों हमारे आश्रम में बहुत उपद्रव मचाए, परंतु श्री गणेश की कृपा से वो हमारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सके। राजन, वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिए आश्रम छोड़कर जाना असंभव है। ऋषिवर, आप हमारे कुल पुरोहित हैं, हम किसी और का वरण कर भी नहीं सकते। आप ही बताएं ऋषिवर, हम क्या करें? हमारे पुत्र का विवाह संस्कार संपन्न कौन कराएगा? पिताश्री, आपके पास काशी नरेश आएंगे, मुझे उनके साथ भेजने की कृपा करें। अब मैं काशी में रहकर ही दुष्टों का विनाश और सज्जनों के उद्धार का अपना उद्देश्य पूर्ण करूंगा। राजन, यदि आप उचित समझें तो आप हमारे पुत्र महोत्कट विनायक को अपने साथ ले जा सकते हैं। वो सभी विषयों में निपुण और संस्कार कराने में सक्षम है। वो आपके राजकुमार का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न करा देगा। ऋषिवर, आपका यह विचार अति उत्तम है। यदि आपके सुपुत्र महोत्कट विनायक हमारे पुत्र का विवाह संस्कार संपन्न कराएंगे तो यह मेरा सौभाग्य होगा। ऋषिवर, यह कैसे संभव होगा? मेरा महोत्कट अभी बालक है, राक्षसों ने चारों ओर उत्पात मचा रखा है। मैं अपने पुत्र को आश्रम से बाहर कहीं भी नहीं जाने दूंगी। हे माता, आप मेरी किसी भी प्रकार चिंता ना करें। आप तो जानती ही हैं कि राक्षसों ने हमारे आश्रम में कितने उत्पात मचाए, किंतु वे किसी को भी हानि न पहुंचा सके।
अपितु जो भी राक्षस आए वो अपनी मृत्यु मारे गए, अतः आप निश्चिंत रहें। हे अदिति, पुत्र मोहतकट ठीक कह रहा है, हमें निश्चिंत होकर मोहतकट को काशी भेज देना चाहिए। हमारे यजमान काशी नरेश का पौरोहित कार्य संपन्न कराना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। हे काशी नरेश, आप स्वयं जानते हैं मेरा पुत्र अभी बालक है, इसने आश्रम के अतिरिक्त कोई दुनिया नहीं देखी है। यदि आप इसकी रक्षा का भार लेते हैं और इसे सुरक्षित हमारे आश्रम में पहुंचाने का उत्तरदायित्व लेते हैं तो महोत्कट आपके साथ जा सकता है। हे माताश्री, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, महोत्कट विनायक हमें आपसे भी अधिक प्रिय है, हम अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करेंगे। हे राजन, मैं आपके कथन पर विश्वास करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरे विश्वास की रक्षा करेंगे। ये एक क्षत्रिय का वचन है माताश्री, आप सभी प्रकार से निश्चिंत हो जाइए। क्षत्रिय अपने प्राण दे सकता है, अपना सर कटा सकता है, पर वचन भंग नहीं कर सकता। जाओ पुत्र, तुम काशी नरेश के साथ जाओ। आओ पुत्र। प्रणाम महर्षि। प्रणाम माते। आओ पुत्र। काशी नरेश भगवान महोत्कट विनायक को साथ लेकर अपनी राजधानी काशी की ओर चल पड़े। मार्ग में एक विचित्र घटना घटी। धूम्राक्ष नामक राक्षस वर्षों से भगवान परात्पर की तपपूर्ण उपासना कर रहा था। उसकी तपस्या के फलीभूत होने का समय निकट ही था। उसी समय काशी नरेश का रथ भी उधर वन पथ पर आगे बढ़ रहा था। नमः। ओम परात्परय नमः। ओम परात्परय नमः। ओम परात्परय नमः। राजन, अब थोड़े समय के लिए रथ यहीं रोक ले। जो आज्ञा पुरोहित जी। साथ ही रथ रोको। ओम परात्परय नमः। 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 ओम परात्परय नमः।
ओम परात्पराय नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम परात्पराय नमः। हे धूमराज, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। उठो और मुझसे अपना अभिष्ट वर मांग। प्रभु, मैं त्रिलोक विजयी देवांतक नारांतक का काका धूम्राक्ष हूं। मैंने इतनी कठोर तपस्या इसलिए की है कि त्रिलोकी में असुर साम्राज्य की नींव कभी न हिले। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा दुर्लभ दिव्यास्त्र प्रदान करें जिसका प्रहार कभी व्यर्थ ना जाए और उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र या बल का प्रभाव ना हो। तथास्तु। असुरराज, मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं।